आज अभी विधानसभा में दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय द्वारा असंवैधानिक रूप से एमसीडी के कामकाज में हस्तक्षेप करने की जो कोशिशें की जा रही हैं उस पर चर्चा हुई और सारे सदन ने एक मत से इस बात को माना कि एलजी साहब गलत कर रहे हैं, असंवैधानिक काम कर रहे हैं। वो एक कबीले के सरदार नहीं है जो किसी कबीले की सरदार की तरह से मनमर्जी चलाएंगे और अपने बड़े सरदारों का हुक्म बजाएंगे। वो दिल्ली के एलजी हैं और एलजी क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते उसकी पूरी व्यवस्था संविधान ने की हुई है और उसकी पूरी व्याख्या संवैधानिक पीठ ने की हुई है। एलजी साहब ना संविधान को मान रहे हैं ना संवैधानिक पीठ को मान रहे हैं। वो अपने मर्जी से ऐसे सिस्टम को चलाना चाहते हैं जैसे कबीले का कोई सरदार चलाता है। ये ठीक नहीं है। मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा और आज सदन ने भी इस बात को रिक्वेस्ट किया है एलजी साहब से कि आप संविधान को मानिए और संविधान के अनुसार एमसीडी को चलने दीजिए, संविधान के अनुसार दिल्ली की सरकार को चलने दीजिए। मनीष जी, एक मामला और आया जिसमें मोहिंदर गोयल ने नोट ले आके दिखाया कि रिश्वत देने का मुझे प्रयास किया गया और अस्पतालों में इस तरीके का गोरखधंधा चल रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनकी विधानसभा में किसी हॉस्पिटल में कोई सर्विस प्रोवाइडर नियुक्तियों में गड़बड़ी कर रहा है और जब वो उसकी शिकायत लेके पुलिस के पास जाते हैं, डीसीपी के पास जाते हैं, जॉइंट कमिश्नर के पास जाते हैं, एसीबी के पास जाते हैं, एलजी साहब के पास के जाते हैं तो कोई उनको सहयोग नहीं करता। वो कहते हैं मैं वो गलत कर रहे हैं, मैं रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं, आप रंगे हाथों पकड़ो, तो कोई उनको रंगे हाथों पकड़ने को तैयार ही नहीं है। इसका मतलब है कि मिली भगत से चल रहा है वहां पे। एक सवाल और सर्विसेज वाले मामले में आज जब कोर्ट ने रिजर्व किया उससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से वकील पेश हुए, उन्होंने कहा कि इस मामले को जो 9 जजों की पीठ है उसको लार्जर बेंच के लार्जर बेंच पे भेज दिया था। केंद्र सरकार ने असंवैधानिक तरीके से सर्विसेज पे कब्जा करके रखा हुआ है और इस तरह आज जो नियुक्तियों में जो रिश्वत का मामला आया या एफआईआर नहीं होने का मसले आए, ये सारे हो ही इसलिए रहे हैं।